देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में अभियान को लेकर काफी तेजी दिखाई दे रही है। आपको बता दें, केंद्र की ओर से प्रदेश को पहली खेप के रूप में राज्य को 1,13,000 वैक्सीन प्राप्त हुई है। पहले चरण में 50,000 हेल्थ वर्कर को लगाई जाएगी। राजधानी देहरादून की दून अस्पताल में पहला टीका वार्ड बॉय शैलेंद्र को लगा है, जिसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हमारा नाम शैलेंद्र द्विवेदी है जी। हम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कक्ष सहायक के पद पर तैनात हैं जी। भाई साहब, अगर बात करी जाए, इसमें पहली वैक्सीन आपको लगाई गई है, सबसे पहले आपको ये टीकाकरण किया गया है, किस तरीके से आपको जो टीका है वो दिया गया, आपको कोई दिक्कतें तो नहीं आई उसमें? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये वैक्सीनेशन बनी गई है और आज यहाँ उद्घाटन इसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रथम वैक्सीनेशन हमको लग चुकी है और हम पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटा हो चुका है। सामान्य जो BP नापना, वो नापना हमारा पहले भी किया गया था वैक्सीनेशन लगाने से पहले, उसके बाद जो हमारा BP नापा गया, फीवर नापा गया और पल्स रेट नापी गई, सब सामान्य निकला है। जितना टिटनेस इंजेक्शन में मामूली दर्द होता है, मामूली दर्द हमें महसूस हो रहा है, तो थोड़ा तो रहेगा ही। जब कोई देखिए, टाइम का रिएक्शन में आधे घंटे के लिए हमें रिकवरी रूम में रखाया गया था, उसके बाद फिर हमें आधे घंटे के बाद फिर हम सामान्य रूप से हमें बोला गया था सामान्य कार्य कर सकते हैं। उस वो इसलिए रखा गया था, बाई चांस हम किसी प्रकार की दिक्कत बताते हैं, हमें उल्टी आना, चक्कर आना या शरीर में कोई खुजली टाइप होना या अन्य कुछ लक्षण आने, उसके लिए रखा जाता है, सामान्य बीमारी में भी रखा जाता है जी। और जो जो इसकी दूसरी डोज है वो आपको कब दी जाएगी? वो हमें 28 दिन बाद लगेगी दूसरे चरण की डोज, उसके लिए हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा जी। बाकी हम अपने पदाधिकारी और कोरोना अधिकारियों से संपर्क में रहेंगे, जैसा अगली डोज का आदेश होगा तो दूसरी भी हम लगाएंगे। ऐसे लगाते हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जी। देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहेंगे, किसी प्रकार के भ्रम में ना आए, वैक्सीनेशन पूर्णतः सुरक्षित है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे का, एक गर्भवती महिला का टीकाकरण होता है, बच्चा भी सुरक्षित रहता है, पूरा हम भी सुरक्षित रहते हैं, तो आप भी वैक्सीनेशन लगाइए और किसी प्रकार की ढिलाई मत बरतिए। अभी ढिलाई नहीं बरतनी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मास्क भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंस भी, और साथ आ रही अपनाइए, निरोगी रहिए।